मिस्त्री भैया आ गए हैं और ये देखिए मशीनें आ गई हैं। पहले तो फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पे आगे का जो मैंने बताया था ना कि कुछ मैं तैयार करवा रही हूँ, तो उसके लिए मटेरियल आ गया है। अभी भैया यहाँ पे रखवाने लग रहे हैं। तो ये तो लोहे हैं, इधर काफ़ी हैवी होते हैं ये देखिए इस तरीके से ये पूरे काफ़ी। अब इनकी कटिंग वगैरह यहीं पर ही की जाएगी। और आपको मैं शीट भी दिखाती हूँ। ये शीट है जो आपको दिख रही है ना, वाइट कलर की ली है मैंने, ब्लू नहीं ली। इसमें दो कलर्स होते हैं तो ये वाइट मुझे ज़्यादा सही लगी क्योंकि घर के फ्रंट में यहाँ लगानी है। और ये लुक आप लास्ट टाइम देख लीजिए, मुझे पता है अब लुक ख़राब होने वाली है मेरे घर की। अभी लुक बहुत अच्छी आ रही थी, रुकिए मैं आपको साइड से दिखाती हूँ। बट क्या करें, करवाना तो ज़रूरी है ना। ये देखिए अभी हमारे घर की लुक कितनी सुंदर आ रही थी ना, इस घर की है ना अच्छी। तो अब इसको लगाने के बाद काफ़ी लुक में चेंज आने वाला है। और मुझे पता है नेगेटिव ही आएगी, आप सब कमेंट्स करोगे अच्छा नहीं लग रहा, बट क्या करें, मेरे को अपने बच्चे की सेफ्टी देखनी है। ये देखो ना, ये यहाँ से ये कुछ ना कुछ बच्चे के ऊपर गिर गया या मेरे ऊपर गिर गया, तो सेफ्टी देख के पर्पज से मैंने यहाँ पर सोचा है ऊपर मैं शीट ये लगवा ही लूँगी। फिर भी ब्लैक कलर का पेंट पड़ा है गेट पर जो करते हैं, नहीं है ले आना पड़ेगा, इन पे पेंट कर देंगे ना सरियों पे बाद में। भैया पूछ रहे थे, बोलते गाड़ी बेचोगे, मैंने कहा नहीं अभी तो लिया ये। पापा जी बोलते गाड़ी बेच रहे हो ये वाली, मैंने कहा ली अभी है, बाबू ने चलाई कितनी है अभी तो। पापा जी विहान को बैठे बैठे सेब खिला देना, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ये सेब तो शायद खा ही ले। नहीं सेब खा रहा है मम्मी, थोड़ा सा सेब ही खाता है बस ये, हाँ सेब खा लेगा। भैया कह रहे हैं यहाँ ऊपर से सारा सामान हटाओ, मैं कह रही ये गमले बहुत बहुत ज्यादा भारी हैं, इनको अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं नहीं उठा सकती हूँ, बड़ी मुश्किल से रखे थे ये, कि बहुत हैवी गमले हैं देखो ना, बहुत हैवी हैं, अपने बस का नहीं है ये सामान उठाना। आपको पता है मेरे 50,000 रुपये लग गए हैं अभी जो ये काम होगा उसको मिलाकर। तो मैंने ना जनवरी महीने में जितने भी पैसे कमाए थे वो तो खर्च ही दिए मैंने, कुछ भी मेरी जनवरी महीने की जितनी मेरी सैलरी आई, चाहे वो यूट्यूब से आई चाहे प्रमोशनल वीडियो से आई, जो भी आया मैंने सारा का सारा इस घर पे लगा दिया। मैंने कोई भी 1 रुपये की सेविंग नहीं करी, इवन 5-7 हज़ार रुपये मैंने दिसंबर महीने की जो मेरी सेविंग थी उसमें से भी खर्च दिए हैं। आप सोच लो मैंने कितना पैसा खर्चा है। और मैंने मम्मी को यही बात बता रही थी तो मम्मा बोलते कोई बात नहीं, पैसा खर्चा खर्चा, लेकिन कम से कम ये है कि हमेशा के लिए काम हो गया घर में चीजें, तूने पैसा ना ऐसे खराब नहीं किया, इसे पैसा खराब करना नहीं कहते, इसे पैसा कहीं अच्छी जगह यूज करना कहते हैं। मैं कहा चलो अच्छा है, घर पे ही लग रहा है पैसा, घर सुंदर लगेगा, अच्छा बनेगा, सही आगे फ्यूचर के लिए हमारा ये सही रहेगा। ये भैया फ्रेम बनाने लग रहे हैं, पहले ना जैसे जो भी ये काम होता है ना रोड पे ही करना पड़ता है, तो अब इनका ये ले आए थे ना सरिये से, अब इनका फ्रेम से इनको पूरा अच्छे से जोड़ेंगे। पापा जी मुझे बोले तू हट जा मैं गमले रख देता हूँ, तो यहाँ पे 2-3 गमले तो पापा जी ने यहाँ से उठा के साइड में रख दिए थे, क्योंकि देखिए ये जगह बिल्कुल खाली होनी चाहिए, क्योंकि मिस्त्री भैया को ना सबको अपने ना चलने फिरने का जगह तो चाहिए ना, आराम से काम कर सके। और फिर पापा जी ने ना 1-2 गमले छोड़ दिए थे, बोलते बहुत ज़्यादा भारी है ये, भैया लोग अपने आप ही देख लेंगे इनको, जिस हिसाब से सही रहेगा कर लेंगे सेटलमेंट। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए कोने में लगाए जा रहे हैं, और अभी तो मेरा घर इतना ज़्यादा खिंडा हुआ हो रखा है पूरा ही घर, और अभी सेटल भी नहीं हो पा रहा है आप जानते ही हो, क्योंकि जब तक अंदर का काम नहीं होगा तब तक क्या होगा आप ही बताइए। जब तक अभी रसोई तक तो हमारी सेट नहीं हुई है ढंग से तो कैसे बनेगा, और रसोई में तब होगा काम जब इसमें पुट्टी होएगी है ना। तो यहाँ पे जब मिस्त्री भैया आए थे ना जो आज आए हैं, वो बोलते मैं आपका ना 1500 रुपये में काम करवा देता, मतलब सस्ते में करवा देता, कहने का उनका मतलब ये था कि सस्ते में काम करवा देता, आपने ये स्लैब वगैरह का चक्कर लगवाया, मैं ऐसे ही ना कुछ जुगाड़ करके आपका लकड़ी के फट्टे लगवा देता, मतलब साइड में ये लोहे के लगवा के मेरे साथ की साथ ये काम मुझसे करवा लेते, मतलब इसमें इतना लंबा आपने इतने दिन तक दिहाड़ी वगैरह भी दी मिस्त्री वगैरह की, तो वो काम भी आजकल लोग वैसे ना मतलब ऐसे काम इस तरीके से करते हैं जिसमें ना टाइम की भी बचत हो पैसे की भी। बट मैंने तो टाइम भी अच्छा खासा लगवाया, 8-9 दिन आप देख ही सकते हो, 9 दिन मिस्त्री रहे हैं पूरे दिन, 9 या 10 दिन, और बाकी काम भी करवाया। बट चलो कोई बात नहीं, मेरा जो काम है ना वो फिर हमेशा के लिए हो गया, जिंदगी भर के लिए अब नहीं छेड़ना।
सामने यहाँ पे आप देख सकते हो भैया ने ये वेल्डिंग करके दो पीसेस को जोड़ दिया है। अभी इसमें और पीसेस जोड़े जाएंगे जितना कम पड़ेगा उस हिसाब से। और ये देखिए ये हमारा सांचा भैया ने लगे हुए हैं तब से आधे घंटे से, तो ये देखिए पूरा अच्छे से बढ़िया इस तरीके से डिजाइन तो कर दिया है। सही लग रहा है ना, मुझे भी पसंद आ रहा है काफी। ये बाहर का भी देखिए आंगन जो हमने ये बनवाए इंटरलॉक टाइल से, तो इसके बाहर भी तो साइड साइड में सीमेंट लगा है, तो इसकी भी तराई करनी थी। और पता है क्या हुआ, मैंने ना ये जो मेरा मोबाइल फ़ोन है ये ना सामने वाले जो पड़ोसी हैं वो रहते नहीं है इस टाइम, दोपहर को कोई नहीं होता, ताला लगा होता है, या मेरे ख्याल से वो अभी मकान चढ़ा ही नहीं हुआ किराए पर, तो वहाँ पर ट्राईपोर्ड रख दिया उनकी दीवार पर और अपना काम करने में ऐसी लग गई, मैं भूल गई, मैं फिर ना अंदर चली गई। फिर बाद में मैंने सोचा यार मैं थोड़ी देर बाद सोचूँ मेरा फ़ोन कहाँ है, मेरे को मिल नहीं रहा। मैं ढूंढती रही, मैं घर में ढूंढती रही अंदर, मैंने कहा यार मेरा मोबाइल फ़ोन कहाँ रख दिया। और मैंने मोबाइल फ़ोन, आप अब तो समझ गए ना कहाँ पर था मेरा, मैंने यहाँ पे रख दिया था दीवार पे कि शूट होता रहेगा, मैं अपना काम करती रहूँगी। तो मैं अपना काम करने में ऐसी लग गई, मैं फिर सीधा अंदर चली गई घर में। तो देख लो ऐसा भी होता है कई बार ना, मोबाइल ऐसे कई बार मान लो आप छूट जाए, आप तो दीवार पर रख रखा है कि आप वीडियो बना रहे हो, बट वीडियो बनाने के चक्कर में आपका फ़ोन भी चोरी भी तो हो सकता है ना, कि कोई उठा के ले जाए, आपको पता भी ना चले, बाद में ढूंढते रहती। अगर मान लो मुझे उसी टाइम थोड़ी देर बाद याद आ गया, अगर उस टाइम याद ना रहता तो आप खुद ही सोचिए ना, है ना, मैं तो मोबाइल फ़ोन ही आज चला गया था मेरा, बट चलो अच्छी बात है कि तभी थोड़ी देर में ही ध्यान आ गया। तो यहाँ पे देखिए मैं जितना भी सीमेंट है ना उस पर सारे भी अच्छे से पानी की तराई कर रही हूँ, ताकि सीमेंट ना मेरा पक्का हो जाए, कल को ऐसा ना हो ना कि सीमेंट में तराई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये चीज़ एक टाइम पे हमें भी नहीं पता थी, अब मैं भी धीरे धीरे सीख ही रही हूँ, और मुझे लगता है आप भी, मेरी ऑडियंस अब मुझे देखती है तो उनको भी काफ़ी कुछ चीज़ों की नॉलेज हो गई होगी, घर बनाना ये सब चीज़ें देखो काफ़ी कुछ हमने साथ में मिलके दो साल में किया है ना, तो आपने भी सीखा है, मैंने भी सीखा है, हम दोनों हमने बिल्कुल अच्छे से ना चीज़ें अच्छे से सीख ली हैं। और मम्मी यहाँ कह रहे थे कि थोड़ा सा एक बार विहान को देख ले, तो विहान की मैं पैंट भी बदलूंगी, नीचे लंबी पैंट थी ये सारी नीचे से गीली कर ली थी। चलो देखते हैं, यहाँ पीछे हमारे ना इस तरीके से गड्डी आती है, आपको दिखाती हूँ, फ्रूट्स की रेडियाँ नहीं आती, अलाउड ही नहीं है एंट्री, अलाउड नहीं है, तो एक ही आती है वो भी टाइम फिक्स्ड है। तो देखते हैं कुछ फ्रूट वगैरह देख लेती हूँ बाबू के लिए। बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया बेटा, ठीक है? हाँ बेटा ठीक है। भैया फ्रूट में क्या क्या है? चीकू, चीकू तो है, अंगूर, सेब। क्या है दे रहे हो प्राइस? हाँ 200। और संतरे हैं? संतरे नहीं, किन्नू किन्नू लाऊंगा, किन्नू लाते नहीं, संतरे भी नहीं, अनार नहीं, अनार भी नहीं है, रहने दो फिर तो, जो जिस चीज का मैं जूस निकालती हूँ वही नहीं है, जूस निकाल ही नहीं सकते हम, तो अभी हम वापिस ही चलते हैं। दे दो एक, उसमें रख दूंगी ना बिस्किट, मैं कह रही है ऐसे ही दे दे बिस्किट, क्योंकि ना सारा रहते हुए बर्तन खराब हो रखे हैं, उनका ऐसे ही दे देती हूँ। फिर मैं चाय बनाई थी मम्मा ने, भैया ने चाय पी ली है, मना कर रहे हैं बिस्किट के लिए, तो हम अंदर ही रख देते हैं वापस। इस गाड़ी को लेकर आप सबके काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे, पूरी सर्दियों आपके कमेंट्स आए हैं। मैंने ना ये गाड़ी मम्मी के घर छिपो के रख दी थी, क्योंकि ना एक्चुअली सर्दियों में देखो आप ठंड का टाइम होता है, मैं बच्चे को अंदर ही अंदर रखती थी कि बच्चे को सर्दी ना लग जाए, और विहान ना रोता है फिर, जिद करता है थोड़ी सी कि हाँ मुझे इस गाड़ी में बाहर घुमाओ, और बच्चे की जिद गलत नहीं है, देखो उसके पास हमारे पास भी कोई खिलौना होगा, हम खेलना चाहेंगे ना, तो बच्चे की जिद हो जाती है कि मेरे को थोड़ी देर बाहर घुमाओ इसमें। और अब सर्दियों में क्या होता था, रात को कभी या शाम को, या शाम तो छोड़ो दिन में भी बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था, इतनी ठंडी हवा चलती थी। तो फिर मैंने सोचा एक बार इसको ना विहान की नज़रों से दूर रख लेते हैं 2-3 महीने के लिए, फिर जैसे थोड़ा मौसम ठीक होगा, गर्मियों का टाइम आएगा, तब विहान को थोड़ा बाहर चलवा दिया करेंगे विहान की गाड़ी। सही सोचा था ना मैंने बाबू के लिए। तो अभी विहान थोड़ा सा फिर अब बोलने लग गया कि मेरे को ये गाड़ी में घुमाओ, तो अभी इसको मैंने चार्ज ही नहीं कर रखा। मैंने सर्दियों में ना इसका चार्जर या तो मैंने मम्मी को दे दिया था, मम्मी के घर में पहुंचा दिया था कि रख लो संभाल के, या फिर वो चार्जर मेरे को मेरे घर में ढूंढना पड़ेगा। अब ढूंढना है क्योंकि इसमें ना बैटरी ऑपरेटेड ये जीप है, और इसमें ना चार्जिंग होती है, चार्ज करनी पड़ती है, उसके बाद आप चलाओ इसको, और मैं इसको ज़्यादा दूर चलाना का वो प्रेफर नहीं करती, बस आस में जैसे गली में चलवा ली थोड़ी सी बाहर, बस ऐसे ऐसे चलवा के वापस घर ले आए, राउंड लगवा लिया बच्चे का, तो विहान को थोड़ा सा ना खुश हो जाता है, मतलब पसंद है इसमें बैठना, बैठ के देखो कहता है मुझे चलवाओ, पीछे से धक्का दो, खेलो, तो ऐसे ही खुश हो जाता है मेरा बाबू। मेरा जो ये सांचा है देखिए इसको ऊपर लगाया जा रहा है,
बाबू को एक बार गड्डी में ही बैठे हैं, अभी ले रहे हैं भैया, मेरा पार्सल आया है अभी ले रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इस तरीके से इसे ऊपर लगाया जाएगा सेट करके।